हेलो एवरीवन, वेलकम इन सुपर साइंस क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट डिस्कस करेंगे। चैप्टर फर्स्ट हमारा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट्स आर कंपाउंड ब्रेक डाउन एंड फॉर्म टू आर मोर प्रोडक्ट आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें कि एक सिंगल रिएक्टेंट्स या कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है और दो या दो से अधिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लाइक यक्स वाई, दीज आर अ सिंगल रिएक्टेंट्स, आफ्टर रिएक्शन इट फॉर्म्स यक्स प्लस वाई। क्लियर? ये एक सिंगल रिएक्टेंट से जो रिएक्शन के बाद दो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, यक्स और वाई। तो यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, कैसा रिएक्शन होगा? ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। ठीक है, जब एक सिंगल रिएक्टेंट्स ब्रेक डाउन होता है और दो या दो से अधिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर? अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा आयरन सल्फेट या FeSO4, जिसको हम लोग फेरस सल्फेट भी कहते हैं। जब भी हम लोग इसको हीट करते हैं तो आयरन सल्फेट ब्रेक होके आयरन ऑक्साइड मीन्स फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। क्लियर? व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट्स फेरस सल्फेट इज ब्रेक डाउन, देन फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड इज फॉर्म। हियर सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रेक डाउन एंड फॉर्म टू आर मोर देन टू प्रोडक्ट, हेंस दिस रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर? जब एक सिंगल रिएक्टेंट्स ब्रेक डाउन होकर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर ऑफ थ्री टाइप्स। डिकम्पोजिशन रिएक्शन थ्री टाइप्स का होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको फोटोलिसिस भी कहते हैं। अब हम लोग एक एक करके इन तीनों को डिस्कस करेंगे। क्लियर? सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरीड आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर? मीन्स जब रिएक्टेंट्स का ब्रेक डाउन हीट के प्रेजेंस में हो तो उसको बोलेंगे हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हियर CaCO3 मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग लाइम स्टोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, CaCO3 को हीट के प्रेजेंस में क्या होता है, ये ब्रेक डाउन होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे ये एक सिंगल रिएक्टेंट्स है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हीट करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो रहा है। मीन्स वन सिंगल रिएक्टेंट से टू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, मीन्स दिस रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन कैरीड आउट बाय हीट, सो दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर? ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको हम लोग क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं। क्विक लाइम इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। क्विक लाइम का यूज़ हम लोग सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में भी करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट ब्रेक डाउन फॉर्म आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राई ऑक्साइड। और आयरन ऑक्साइड्स का जो फ्यूम्स होता है, जो कलर होता है, वो कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है। नेक्स्ट लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला PbNO3 का होल टाइस। लेड नाइट्रेट डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ हीट फॉर्म लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन गैस। हियर अ सिंगल रिएक्टेंट लेड नाइट्रेट इज डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ हीट फॉर्म टू और मोर देन प्रोडक्ट, दैट इज लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। कलर ऑफ लेड ऑक्साइड इज येलो। क्लियर? एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स गैस इज रिलीज विथ ब्राउन फ्यूम्स। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स का जो फ्यूम्स होता है उसका कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है। और लेड ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, येलो होता है। आयरन ऑक्साइड्स का रेडिश ब्राउन होता है। क्लियर? इन ऑल एग्जांपल्स अ सिंगल रिएक्टेंट्स इज ब्रेक डाउन एंड फॉर्म टू और मोर देन टू प्रोडक्ट। क्लियर? देन ऑल दीज रिएक्शंस आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एंड दिस इज कैरीड आउट बाई हीट, सो दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग,
2KClO3 means potassium chlorate. Potassium chlorate decompose in the presence of heat form potassium chloride and oxygen gas. Zinc carbonate decompose in the presence of heat. ये heat का symbol है and form zinc oxide and carbon dioxide. Clear? Here also one reactant is break down in the presence of heat and form two or more than two product. Then these are also thermal decomposition reaction. Clear? अब हम लोग एक्टिविटी देखते हैं रिलेटेड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन से. किस तरह से एक्टिविटी करेंगे? टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब. क्लियर? होल्ड द टेस्ट ट्यूब बाय द टेस्ट ट्यूब होल्डर. क्लियर? हीट द टेस्ट ट्यूब स्ट्रांगली ओवर अ फ्लेम ऑफ बर्नर. देन वी ऑब्जर्व दैट द ग्रीन कलर्ड फेरस सल्फेट क्रिस्टल ऑन हीटिंग लूज वाटर एंड कलर चेंजेस फ्रॉम एन हाइड्रस फेरस सल्फेट. हम लोग एक टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लेते हैं और उसको हीट करते हैं. जब हम हीट करेंगे तो देखेंगे कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल में प्रेजेंट जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और इन हाइड्रस फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन करते हैं. कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो कलर होता है ग्रीन होता है और जब हम लोग उसको हीट करते हैं जब उससे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं तो फेरस सल्फेट का कलर जो है वो वाइट हो जाता है. क्लियर? देन फर्दर हीटिंग इट गिव्स आउट अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर लिविंग बिहाइंड अ रेडिश ब्राउन रेसिड्यू ऑफ फेरिक ऑक्साइड. क्लियर? उसके बाद फिर से हम लोग फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो सल्फर की स्मेल के साथ रेडिश ब्राउन रेसिड्यू फेरिक ऑक्साइड का हमें ऑब्टेन होता है. अगेन जब हम लोग फेरस सल्फेट को हीट करेंगे एनहाइड्रस फेरस सल्फेट को जिसमें कि वाटर का मॉलिक्यूल नहीं होता तो आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है जिसका कलर रेडिश ब्राउन होता है. सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होता है जिसमें कि स्मेल होती है सल्फर की. ठीक है? स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर लिविंग एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड इज आल्सो रिलीज. हियर फेरस सल्फेट्स ब्रेक डाउन्स इनटू फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड. सो दिस इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिकॉज दिस इज कॉज इन द प्रेजेंस ऑफ हीट. क्लियर? आपसे पूछा जाएगा फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कलर कैसा होता है तो आप क्या बताओगे, ग्रीन होता है. और जब हम लोग उसको हीट करते हैं उससे वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं तो एनहाइड्रस फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कलर कैसा हो जाता है, वाइट हो जाता है. एनहाइड्रस फेरस सल्फेट क्रिस्टल को अगेन हीट करने पे आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है. सल्फर डाइऑक्साइड गैस स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर के साथ रिलीज होती है. इसके अलावा सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है. क्लियर? अभी हमने आपको रिएक्शन में बताया कि आयरन ऑक्साइड्स का जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का रेसिड्यू ऑब्टेंड होता है. तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रेसिड्यू होता क्या है. रेसिड्यू इज अ मटेरियल विच आर रिमेनिंग आफ्टर अ प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन सेपरेशन प्यूरिफिकेशन इवोपरेशन और फिल्ट्रेशन. रेसिड्यू वो मटेरियल है जो कि किसी भी रिएक्शंस को कराते वक्त प्रिपरेशन सेपरेशन प्यूरिफिकेशन इवोपरेशन या फिल्ट्रेशन के दौरान हमें ऑब्टेंड होता है, प्राप्त होता है. क्लियर? बिल्कुल जिस तरह से हमने फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन कराया उसी तरह से कॉपर सल्फेट का डिकम्पोजिशन भी करा सकते हैं. व्हेन कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स इज हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस देन कॉपर सल्फेट में 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं इसलिए इसको पेंटाहाइड्रेटेड बोलते हैं और इसका कलर कैसा होता है, ब्लू होता है. व्हेन वी हीटेड दिस एट 100 डिग्री सेल्सियस देन 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन फ्रॉम दीज क्रिस्टल्स एंड मोनोहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज फॉर्म. कलर ऑफ मोनोहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज ब्लूइश वाइट. क्लियर? जब हम लोग पेंटाहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो इससे जो है वाटर के 4 मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाते हैं, निकल जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और कॉपर सल्फेट का मोनोहाइड्रेटेड क्रिस्टल हमें ऑब्टेंड होता है जिसका कलर होता है ब्लूइश वाइट.
क्लियर। जब हम लोग फिर मोनोहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को 230 डिग्री सेल्सियस टू 250 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो हमें एनहाइड्रस वाइट कॉपर सल्फेट ऑब्टेंड होता है। अब इसके साथ कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल नहीं है। ऑन फर्दर हीटिंग ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट वी ऑब्टेन कॉपर ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस आल्सो। जब हम लोग एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को क्या करते हैं, सॉरी एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को हीट करते हैं तो हमें कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेंड होता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है जिसमें स्मेल आती है सल्फर की। सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस रिलीज होती है। इसके अलावा ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है। हियर कॉपर सल्फेट इज़ अ सिंगल रिएक्टेंट्स, आफ्टर हीटिंग इट फॉर्म्स टू और मोर देन टू प्रोडक्ट, दैट इज कॉपर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर। तो मीन्स आपको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ में आ गया होगा। जब कोई भी सिंगल रिएक्टेंट्स हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोज होकर टू और मोर देन टू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोलिसिस। वन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाई इलेक्ट्रिसिटी, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर। एग्जाम्पल, वाटर डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। सोडियम क्लोराइड डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट फॉर्म सोडियम एंड क्लोरीन। एल्युमिनियम ऑक्साइड डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट फॉर्म एल्युमिनियम एंड ऑक्सीजन गैस। हियर दीज आर अ सिंगल रिएक्टेंट्स, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट डिकम्पोजेस फॉर्म टू प्रोडक्ट। क्लियर। सो दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ वी सी एक्टिविटी रिलेटेड फ्रॉम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। टेक अ प्लास्टिक मग। क्लियर। एक्टिविटी 1.7 है हमारे बुक की। टेक अ प्लास्टिक मग, इस तरह से आपको एक प्लास्टिक का मग लेना है। ड्रिल टू होल्स एट इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर इन दीज होल्स। इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड इन दीज रबर्स एंड स्टॉपर्स। क्लियर। आपको क्या करना है, ड्रिल का मीन्स जो बेस होता है इस मग का उस पर आपको टू होल्स बनाना है और इस होल्स में रबर स्टॉपर्स को फिट करना है। उसके अंदर आपको जो है कार्बन के इलेक्ट्रोड्स लगाने हैं। कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स टू अ 6 वोल्ट बैटरी, और इस इलेक्ट्रोड को आपको 6 वोल्ट बैटरी से क्या करना है, कनेक्ट करना है। फिल द मग विथ वाटर सच डैट इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर। आपको मग में क्या करना है, पानी भर देना है जिसमें कि जो इलेक्ट्रोड्स हों वो डूब जाएँ। उसके बाद उसमें आप कुछ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दोगे। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड करता क्या है कि वाटर की कंडक्टिविटी को और बढ़ाता है। टेक टू टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द टू कार्बन इलेक्ट्रोड। आपको दो टेस्ट ट्यूब लेना है जिसमें कि वाटर को फिल करके इन दोनों कार्बन इलेक्ट्रोड पे इन्वर्ट इसको क्या करना है, लगा देना है। स्विच ऑन द करेंट एंड लीव द पॉर्टस अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। उसके बाद करंट को स्विच ऑन कर देना है और इस जो पूरा अपैरेटस आपने तैयार किया है इसको बिना डिस्टर्ब किए थोड़े टाइम तक आपको क्या करना है, छोड़ देना है। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स। आप देखेंगे कि दोनों इलेक्ट्रोड्स पे कुछ बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। दिस बबल डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। ये बबल्स क्या करते हैं, वाटर को टेस्ट ट्यूब में डिस्प्लेस कर देते हैं। इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ टेस्ट ट्यूब। ये क्वेश्चन पूछा है, क्या दोनों टेस्ट ट्यूब में गैस का जो वॉल्यूम होगा वो सेम होगा। वन द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विथ रिस्पेक्टिव गैस, रिमूव देम केयर फुल्ली। किस टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैस फिल हुई है इसको आप उसको आसानी से रिमूव करके सावधानीपूर्वक पता लगाएंगे। टेस्ट दीज गैसेज वन बाय वन ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। व्हाट हैपेंस इन ईच केस, विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब। ठीक है, वी फाइंड आउट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
देखिए रिजल्ट क्या मिलता है हमें इस एक्टिविटी का, इन द टेस्ट ट्यूब कवरिंग द कैथोड द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इज डबल देन द ऑफ द गैस कलेक्टेड इन द टेस्ट ट्यूब कवरिंग द एनोड। जो टेस्ट ट्यूब जो है, जो टेस्ट ट्यूब हमारा कैथोड की प्लेट को जो है कैथोड के इलेक्ट्रोड को कवर किए हुआ था उस पर गैस का जो अमाउंट था वो कितना था, डबल था किसकी अपेक्षा, एनोड पे कवर टेस्ट ट्यूब की अपेक्षा। मीन्स दोनों कार्बन के इलेक्ट्रोड पे दो टेस्ट ट्यूब लगाए गए थे, दोनों कार्बन के इलेक्ट्रोड एक एनोड से जोड़ा गया था, दूसरा कैथोड था। ठीक है, जो निगेटिव होता है उसको हम लोग कैथोड बोलते हैं, जो पॉजिटिव होता है उसको हम लोग एनोड बोलते हैं। क्लियर, तो जो कैथोड वाला टेस्ट ट्यूब था, ठीक है, जो कैथोड वाला टेस्ट ट्यूब था उस पर जो गैस का अमाउंट था वो दो गुना था किसकी, एनोड वाले टेस्ट ट्यूब के अपेक्षा। क्लियर, ऑन टेस्टिंग द गैसेस द टेस्ट ट्यूब कवरिंग द कैथोड इज फाउंड टू बी हाइड्रोजन। जब गैसेस को टेस्ट किया गया कि किस टेस्ट ट्यूब पे कौन सी गैसेस है, तो ये पाया गया कि कैथोड पे कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती। ठीक है, कैथोड पे कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन गैस थी। ये पता कैसे चला, वो क्या बोला है आपको कि आप बर्निंग कैंडल को गैस वन बाय वन करके गैसेस के पास ले जाओगे तो जिस भी टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस होगी वो पॉपिंग साउंड्स के साथ क्या होगा, बर्न होगा। ठीक है, वो पॉपिंग साउंड्स के साथ क्या होगा, बर्न होगा। अ कंबस्टिबल गैस टेस्ट बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग मैचस्टिक विथ पॉपिंग साउंड्स। जब हम जलती हुई माचिस की तीली को इस हाइड्रोजन गैस के पास ले जाते हैं तो ये हमेशा पॉपिंग साउंड के साथ बर्न करता है। तो कैथोड टेस्ट ट्यूब में कैथोड इलेक्ट्रोड सेल को कवर किए हुए जो टेस्ट ट्यूब था उसमें प्रेजेंट जो गैस थी उसके सामने जलती हुई मैचस्टिक्स को ले जाने पे वो पॉपिंग साउंड के साथ बर्न करता है। तो ये क्लियर होता है कि कैथोड टेस्ट ट्यूब, कैथोड इलेक्ट्रोड को कवर किए जो टेस्ट ट्यूब थी उसमें कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन गैस थी। ठीक है, एंड द टेस्ट ट्यूब कवरिंग द एनोड इज फाउंड टू बी ऑक्सीजन। और जो टेस्ट ट्यूब एनोड को कवर किए हुआ था उसमें कौन सी गैस थी, ऑक्सीजन गैस थी। अ सपोर्टर ऑफ कंबसन टेस्ट बाय ब्रिंगिंग ए लाइटेड कैंडल। ये कैसे पता चला कि जो नेक्स्ट गैस है वो ऑक्सीजन है, जब हम लोग जलती हुई कैंडल को वहाँ पे ले जाते हैं तो वो ऑक्सीजन गैस हमेशा क्या करता है, बर्निंग को सपोर्ट करता है, तो वो कैंडल उतनी ही अच्छी से क्या हो गई, जलती रह गई। तो इससे हमें पता चल गया कि एनोड को कवर किए हुए जो हमारा टेस्ट ट्यूब है उसमें प्रेजेंट कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस है। क्लियर, देखिए ये हाइड्रोजन है और ये क्या है, ऑक्सीजन है, ये कैथोड है और ये क्या है, एनोड है। क्लियर, यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है वो निगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर, तो एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है और कैथोड जो होता है वो निगेटिव होता है। अट्रैक्शन आपको पता है हमेशा जो है दो अपोजिट आयन्स के बीच में होता है, तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक होता है, टूटता है, तो ये जो वाटर है, ये हाइड्रोजन जो है ये निगेटिव के पास जाता है और ये ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिव के पास आता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन गैस जाके एनोड पे कलेक्ट हो जाती है और हाइड्रोजन गैस जाके कैथोड पे कलेक्ट हो जाती है। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन वाटर के फॉर्मेशन में हाइड्रोजन का दो एटम पार्टिसिपेट करता है और ऑक्सीजन का एक, तो इनका वॉल्यूम जो है वो कितने का है, 2S2 1 का है। यही रीजन है कि कैथोड पे कलेक्ट होने वाली गैस का जो वॉल्यूम होता है वो एनोड पे कलेक्ट होने वाली गैस की अपेक्षा डबल होता है, दो गुना होता है। क्लियर, ये रिएक्शन है, इस रिएक्शंस को आप देखिए, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ब्रेक डाउन हुए 2S2O2, इनका रेशियो देखिए आप कितने का है, 2S2 1 का है। ठीक है, हाइड्रोजन किस पे कलेक्ट होगी, कैथोड पे कलेक्ट होगी, ऑक्सीजन किस पे कलेक्ट होगा, एनोड पे कलेक्ट होगा। ठीक है, कैथोड पे कलेक्ट होने वाली गैस का अमाउंट दुगुना होगा किसकी अपेक्षा, एनोड पे कलेक्ट होने वाले गैस की अपेक्षा। क्लियर, ये था हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का जो डिकम्पोजिशन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर, अब हम लोग देखते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर फोटोलिसिस। दोज रिएक्शंस विच आर यूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फोटो
लिसिस वो रिएक्शन जिसमें कि रिएक्टेंट्स के डिकम्पोजिशन के लिए लाइट फॉर्म में एनर्जी को यूज़ किया जाता है, प्रकाश के रूप में एनर्जी को यूज़ किया जाता है, उस रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर फोटोलिसिस। मीन्स यहाँ पे जो एनर्जी का स्रोत है, एनर्जी का जो सोर्स है वो क्या है, लाइट है। क्लियर। एक बार और डिफिनेशन देख लीजिए। दोज रिएक्शंस विच आर यूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फोटोलिसिस। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड इट डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फॉर्म सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज वाइट वाइल कलर ऑफ सिल्वर इज ग्रे। ठीक है, यहाँ सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन होता है, सिल्वर क्लोराइड का कलर वाइट होता है और सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज होकर सिल्वर और क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन करता है, जहाँ पे कि सिल्वर जब बिल्कुल एलोन होता है, अ सिंगल एटम्स ऑफ सिल्वर, इसका कलर जो होता है वो कैसा होता है, ग्रे होता है। वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट। वाइट सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में ग्रे में टर्न हो जाता है। दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। ऐसा क्यों होता है, ऐसा सिल्वर क्लोराइड के डिकम्पोज होने से होता है, किसके द्वारा, प्रकाश के द्वारा। और सिल्वर क्लोराइड किस में डिकम्पोज होता है, सिल्वर एंड क्लोरीन में डिकम्पोज होता है। क्लियर। लाइक दैट सिल्वर ब्रोमाइड इज आल्सो डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फॉर्म सिल्वर एंड ब्रोमीन गैस। सिल्वर ब्रोमाइड का कलर कैसा होता है, येलो होता है और सिल्वर का कलर कैसा होगा, ग्रे ही होगा। ठीक है, तो सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है और सिल्वर और ब्रोमीन का फॉर्मेशन करता है। हियर अ सिंगल रिएक्टेंट सिल्वर ब्रोमाइड इज डिकम्पोज फॉर्म टू और मोर देन टू प्रोडक्ट दैट इज सिल्वर एंड ब्रोमीन। दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर फोटोलिसिस। क्लियर। द रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर हैलाइड इज यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। जो सिल्वर हैलाइड्स के का डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी यूज़ किया जाता है। क्लियर। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट आर लाइट आर इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में हमेशा एनर्जी की आवश्यकता हो रही है, या तो हीट के फॉर्म में, या लाइट के फॉर्म में, या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में रिएक्टेंट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए। मीन्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए हमेशा क्या किया जा रहा है, एनर्जी जो है वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की मांग है। मीन्स एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब आर नोन एज इंडोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शन जहाँ पे कि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको हम लोग कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होंगे वो कैसे होंगे, इंडोथर्मिक होंगे, और जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होंगे वो कैसे होंगे, एक्सोथर्मिक, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। जब एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। जब एनर्जी रिलीज होती है तो वहाँ पे हमें जो है हीट महसूस होती है, उष्मा महसूस होती है, गर्मी महसूस होती है, और जब एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है तो वहाँ पे हमें ठंडक महसूस होती है। जैसे जिस भी बीकर में ये रिएक्शन फॉर्म होगा, जब आप उसको टच करेंगे तो हमेशा आपको कूलनेस फील होगी। क्लियर। तो सभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे होते हैं, इंडोथर्मिक होते हैं, और सभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं। क्लियर। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस यक्स इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। एक किसी भी सब्सटेंस का सॉल्यूशन है यक्स, जो कि वाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब आप देखिए वाइट वॉशिंग का नाम सुनते ही डायरेक्ट आप बता देंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन क्वेश्चन में ये सब्सटेंस नहीं पूछ रहा, पूछ रहा है अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस, किस सब्सटेंस का सॉल्यूशन जो है वो वाइट वॉशिंग में यूज़ किया जाता है। तो आप याद करिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन जो है किनके बीच रिएक्शन होने से हुआ था,
नेम द सब्सटेंस यक्स एंड राइट इट्स फार्मूला, उस सब्सटेंस यक्स का नाम लिखना है और फार्मूला लिखना है। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस यक्स नेम्ड इन वन एवब विथ वाटर, और उस सब्सटेंस का रिएक्शन वाटर से करा के आपको लिखना है। तो देखिए, नेम ऑफ सब्सटेंस यक्स क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको कि आप क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला CaO, रिएक्शन जब हम कराएंगे CaO का कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर से, तो फॉर्म हो जाएगा क्या, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। देखिए, यही पूछा था कि किस सब्सटेंस के सॉल्यूशन का यूज़ हम वाइट वॉशिंग में करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड के सॉल्यूशन के सब्सटेंस का यूज़ हम लोग वाइट वॉशिंग में करते हैं, इसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लैक्ड लाइम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, Why is the amount of gas collected in one of the test tube in activity 1.7 double of the amount collected in the other? Name this gas. Means एक test tube में जो है क्यों double gas collect हुई थी दूसरी की अपेक्षा, उस gas का नाम भी लिखना है जो double amount में collect हुई थी। Clear? तो answer देखते हैं हम लोग, रीजन आपको पता ही है, decomposition of water after electrolysis, 2S2O डिकम्पोज हो रहा है 2S2 एंड O2 के फॉर्म में। क्लियर? दस वाटर डिकम्पोज टू गिव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस इन द रेशियो ऑफ 2S to 1Y वॉल्यूम, इनका रेशियो कितने का है, 2S to 1 का है। द डबल वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड इज हाइड्रोजन, जो गैस डबल वॉल्यूम में कलेक्ट हुई है वो कौन सी है, हाइड्रोजन। तो रीजन पूछा था कि क्यों डबल अमाउंट में कलेक्ट होती है, क्योंकि उनका रेशियो जो है बाय वॉल्यूम वो क्या है, 2S to 1 का है, और डबल अमाउंट में कलेक्ट होने वाली गैस कौन सी है, हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन का ही अमाउंट क्या है, 2 का है, और ऑक्सीजन का क्या है, 1 का है, तो डबल कौन होगा, हाइड्रोजन ही होगा। ठीक है, हाइड्रोजन किस पे रिलीज़ होती है, कैथोड पे रिलीज़ होती है, ऑक्सीजन किस पे रिलीज़ होता है, एनोड पे रिलीज़ होता है। क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एवरीवन।